बहुत बुरा हाल होता है। कई बार तो अच्छा भी लगता है, कई बार क्या होता है कि कई क्लाइंट होते हैं ऐसे, पूछो मत भाई, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि भाई अपनी सर बॉडी दिखाओ। अब हमें तो लगता है कि भाई बॉडी वो मोटिवेशन होगा, हमसे अच्छा लगेगा कि सर मेरे को ये मसल चाहिए वो, लेकिन वो फिर कपड़े उतारने के बाद हमारी बॉडी को चेक करते हैं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अपने आपको सर्टिफाई कराए, मतलब भाई ये चीज़ है वो चीज़ें कर दो, इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, और ये ऑफर देता भाई? बिल्कुल दिए मेरे को, कई बार दिए, कई बार कॉल भी आया है कि सर आप ट्रेनिंग का इतना चार्ज ले, तो मैं पूछता हूँ मेरा नंबर किसने दिया, तो बता अच्छा देते भाई उन्होंने दिया, अपने रूम पे ले आते। अच्छा तो एक दो दिन तो ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद आपको पता है दूसरी तरीके की ट्रेनिंग मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आगम मदन गिरी अपने स्पेशल एथलीट से मिलने, ही इज अ पर्सनल ट्रेनर और ये पीटी देते हैं। इनकी जितनी तारीफ करूँ वो कम है भाई, क्योंकि ये ना इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, जब इन्होंने मुझे बताई, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने अपनी मतलब अपनी आप बीती बताई, और मेरे को जब पता चला कि भाई इनको पर्सनल ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हम सोचते हैं कि एक पर्सनल ट्रेनर है उसकी लाइफ नॉर्मल सी होगी, पर उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती, उनके साथ क्या क्या बीतती है वो पता करते हैं भाई आज। तो स्वागत करते हैं अरुण भाई का। हाय अरुण भाई, हाय, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, जॉब कितनी देर करते हो भाई? मतलब आपके जैसे आपको बता रहे पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हो, तो भाई मंडे टू संडे पूरी पर्सनल ट्रेनिंग भाई? भैया ऐसा तो कुछ फिक्स ही नहीं होता, बट क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब अच्छा क्लाइंट के ऊपर टाइम होता है ना, तो क्लाइंट जब भी बोल देता है कि सर आ अच्छा जाओ मैं फ्री हूँ, अच्छा तो हम ट्रेनिंग कर लेंगे। मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता फिक्स भाई नहीं उनका। होता। और भाई जॉब के भी करंट सिचुएशन क्या है भाई जॉब की? बहुत बुरा हाल है भैया, अभी तो लॉकडाउन तो खुल गया, बट कोरोना की वजह से कोई ट्रेनर रख नहीं रहा अभी। अच्छा, तो भाई घर का गुजारा कैसे होता भाई? हो या था क्या करें भैया, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ट्रेनिंग तो बिल्कुल बंद है। तो अब देखते हो कब तक जिम खुलेंगे, कोशिश यही है कि भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द खुले और तो हमारा काम स्टार्ट हो। भाई ट्रेनर की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं भाई? जो कंपटीशन तो मुझे हमें पता है भाई कि नमक छोड़ना, खाना छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, त्याग कर देना सब चीज़ों का, पर एज अ ट्रेनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर ट्रेनर जो आप लोगों को घर जाके भी पीटी देते हो, तो क्या क्या फेस करते हो भाई आप? बहुत बुरा हाल होता है, कई बार तो अच्छा भी लगता है, कई बार क्या होता है कि कई क्लाइंट होते हैं ऐसे, पूछो मत भाई, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि भाई अपनी सर बॉडी दिखाओ। अब हमें तो लगता है कि भाई बॉडी वो मोटिवेशन होगा, हमसे अच्छा लगेगा कि सर मेरे को ये मसल चाहिए वो, लेकिन वो फिर कपड़े उतारने के बाद हमारी बॉडी को चेक करते हैं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बॉडी टच होता है, भाई चेक करते हैं मतलब कैसे चेक करते हाथ हैं भाई? लगाते हैं बॉडी को, अच्छा तो जैसे बंदा अगर किसी की बॉडी को टच करेगा तो हमें पता लगेगा बंदा किस तरीके का, मतलब क्या चाहता है। भाई वो मतलब आपको भी ट्रेनिंग मिलती है गुड टच बैड टच? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पता लग जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में। अच्छा तो तो भाई कुछ कभी ऐसा हुआ कि हाँ जी आप उसको कपड़ा कपड़े उतरवाए, तो कपड़े उतरवाने के बाद भाई कुछ ऐसा हुआ कि? नहीं हुआ तो नहीं, बार कपड़े उतरवाए मेरे, अब पता लग जाता है मैं कि बंदा क्या चाहता है क्या नहीं, तो अच्छा लगता है। क्लाइंट है हमारा तो अच्छा हम नहीं चाहते, हमारी रोजी रोटी पे क्लाइंट है। क्या चाहता है वो, मतलब वही चाहत जाननी भाई क्या चाहता है बोर्ड? वो ये जैसे एक होता है कि बंदा अपने आप को सर्टिफाई कराए, मतलब भाई ये चीज़ है वो चीज़ें कर दो, इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, और ये ऑफर देता भाई? बिल्कुल दिए मेरे को, कई बार दिए, कई बार कॉल भी आया है कि सर अच्छा आप ट्रेनिंग का इतना चार्ज ले, तो मैं पूछता हूँ मेरा नंबर किसने दिया, तो बता अच्छा देते भाई उन्होंने दिया, अपने रूम पे ले आते। अच्छा तो एक दो दिन तो ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद आपको पता है दूसरी तरीके की ट्रेनिंग मांगते हैं। भाई साहब, मतलब ये इस फील्ड में ऐसा भी हो रहा है भाई? बहुत ज़्यादा होता है, और जिम ट्रेनर तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 100 में से 90% बंदे इसी वजह से थोड़े घबराते हैं बिल्कुल, कि अकेले नहीं जाते कि भाई ट्रेनिंग आप जिम में ले लो, हम होम ट्रेनिंग नहीं देंगे। भाई। होम ट्रेनिंग में मतलब आपको क्या क्या ऑफर्स मिले भाई? बहुत के भाई जितना आपका चार्ज उससे डबल, अच्छा और भाई आपको न्यूट्रिशन दिलाएंगे या फिर अच्छा आपकी डाइट का खर्चा हम उठाएंगे, अच्छा भाई। आपको शॉपिंग कराए, काफ़ी सारी चीज़ें। तो भाई ये तो वो वाली एक मैंने वो देखी ना हेरा फेरी 2 दिन में पैसा पैसा डबल डबल तो आपकी मतलब पीटी क्यों डबल कर रहे हैं भाई? बहुत से ट्रेनर ऐसे भाई कि जो मतलब इन चीज़ों को बहुत खुश रहते हैं, उन्हें चाहिए पैसा, अच्छा लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए और मेरे को नाम भी चाहिए कि भाई वो ट्रेनर ऐसा है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग के बलबूते पे ही ऊपर जाना चाहता हूँ इन कामों के आगे भी। अच्छा, तो भाई कभी ऐसा हुआ कि भाई कहीं फंस गए हो? हाँ जी, पहले तो बॉडी में कपड़े उतरवा दिए हो और बाद में फंस गए हो कि हाँ जी अब तो ना बंदे रूम लॉक कर दिया हो, वहाँ मार पीट करके बाहर निकले हो रूम से भाई? नहीं, एक बार हुआ था, अच्छा मैं नए साल की बात बताता हूँ, मेरे को बुला लिया था, अच्छा तो मेरे को लगा कि भाई पार्टी होगी कि सर आ जाओ पार्टी है। अब मैं चला गया, वैसे तो मैं इंजॉय करता नहीं, फिर भी मैं चला गया कि क्लाइंट था, तो ये जो हाल अब बता रहा हूँ बिल्कुल ये था। तो भाई मैं बड़ी मुश्किल से बात छुटा। हुआ क्या था भाई वहाँ पे, मेरे को थोड़ा खुल के बताओ भाई। कोई कपड़े वहाँ डांस वगैरह कर रहे थे और
लोग पी रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ड्रिंक करता नहीं। अब खाने पीने का शौक है, मैं अपना नॉन वेज जो खाता हूँ वही खा रहा था अपनी डाइट। तो उसके बाद वो काफ़ी सारे चले थे चार पांच, तो वो पीछे लगे, कपड़े उतार दिए मेरे, अब मैंने उतार तो दिए, लेकिन काफ़ी देर मैं निकल गया वहाँ से, जैसे करके मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल उसकी ट्रेनिंग लॉक कर दिया वहाँ। मतलब भाई कपड़े उपड़े उतरवा के सब मूड में आ गए थे भाई? बिल्कुल भाई। तो भाई तुम्हें जैसे तुम ट्रेनिंग करवाते हो तुम्हें पता नहीं चलता भाई मतलब इस बंदे का नेचर क्या है कैसे? देखो अब नेचर तो सबका एक सा ही होता है, लेकिन जब बंदा बॉडी मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे होता है ना कि हाँ आपको कुछ हिंट्स मिलते थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते भाई, हमारा तो क्लाइंट है, हम नहीं बोल सकते भाई उस तरीके का है। हमें तो ट्रेनिंग कराने से मतलब एक दो दिन तो बंदा ट्रेनिंग करता है, फिर उसके बाद फिर जब धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है तो पता लग ही जाता है भाई। मतलब ट्रेनिंग ट्रेनर एज अ ट्रेनिंग आप अपना भगवान मानते हो, पर बाद में कुछ और ही मिलता भाई। बिल्कुल वो प्रसाद ही लगा लो आप, ट्रेनर देखो प्रसाद मिलता भाई है। तो भाई मतलब ये तो ही एक बात, उसके अलावा क्या कुछ भाई कभी कुछ मैडमों साइड से भी कुछ? बिल्कुल, कई मैडमें होती है जैसे नंबर मांगती है, कई मैडम होती है किट्टी पार्टी करती है कि सर आ जाओ, अब चले जाते हैं खाने पीने के चक्कर में भाई, चले जाते चलो कोई नहीं, मैम इन्वाइट कर रही है। तो उसके बाद भी जैसे कि कई लोग होते हैं कि भाई अपने सर कपड़े उतारो आप, बस सर के कपड़े जरूर उतरते हैं भाई जहाँ भी भाई जाए कि सर अपने एप्स दिखा दो, सर अपना मसल्स दिखा दो। तो भाई मतलब ये तो देखो बॉडी बिल्डर हमेशा अपने अपनी जो फिजिक बनाता है इतनी मेहनत करता है, भूखा प्यासा रहता है, अपनी डाइट को बिल्कुल ही जो होता है ना घर की दाल रोटी और देसी घी छोड़ के, लड्डू छोड़ के, मीठे लड्डू छोड़ के, वो भाई बॉडी बिल्डिंग करता है, अपने अपने आप को तपाता है ना, एक तरह से तपाता है, लोअर तपता है तो एक आकार बदलता है, आप भी उस तरह आकार बदलते हो। पर भाई जब ऐसी जगह जाते हो और ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब मैं उन यंगस्टर के लिए बोल रहा हूँ जो बॉडी बिल्डिंग को एज अ पैशन लेके चल रहे हैं, अगर कभी उनके साथ ऐसी स्थिति आए तो उनको क्या करना चाहिए भाई? मैं तो एक ही बात कहूँगा, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या हो, मतलब जैसे अब मानो अगर कोई आपको बोले कि अपने कपड़े उतारो, आपने उतार दिए अपनी बॉडी शो ऑफ करने के लिए आपने उतार दिए, और वो आपको धीरे धीरे टच करना शुरू करे। मैं उन यंगस्टर्स के लिए पूछ रहा हूँ जिनके कभी साथ कभी कुछ ऐसी सिचुएशन, मैं नहीं मान चाहता कि कभी हुए, पर इनके अगर वो फंस जाए ऐसी सिचुएशन में तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए भाई? एक बार भैया क्या हुआ, मेरे साथ सर थे जिनके साथ बैठा था, तो उन्होंने मेरे को ड्रिंक ऑफर की, तो मेरे को थोड़ा अंदर से डाउट हुआ, पहले वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ, मैं उन्हें मना कर रहा था कि सर मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो जितने भी ट्रेनर हैं मैं तो उनसे ही बोलूँगा कि अगर जिस चीज़ को नहीं करते और कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा तो वो चीज़ें ना ही करें तो बेटर है। पता नहीं उस ड्रिंक में क्या हो क्या नहीं, और आपके साथ क्या हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो मेरे हिसाब से तो भाई ना ही करे तो बेटर है। भाई इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ ऑफर की जा रही है, आप उसको लेते हो या नहीं लेते दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपको अभाव हो रहा है कि आप एक सिचुएशन में फंस चुके हो, तो सबसे पहले अपनी जो आपको ऑफर कराया है, फॉर एग्जांपल कुछ ड्रिंक्स, कोई भी फूड आइटम जो आपको ऑफर करी जा रही है, आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार उस चीज़ में कुछ चीज़ मिला के दी जा सकती बिल्कुल, है बिल्कुल। तो भाई उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? खाना तो अवॉइड करा, उसके बाद? उसके बाद सबसे पहले अपनी फैमिली को बताओ, या फिर उसके अगर वो अनमैरिड है तो उसकी फैमिली में बताओ कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि कल कल कोई आपके पर कंप्लेंट वगैरह कुछ हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? हर बंदा अपने बच्चे की सपोर्ट लेगा, आपकी सपोर्ट नहीं लेगा। आप तो भाई सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए भाई? भाई मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वहाँ से निकले, अपनी जान वगैरह बचाए और वहाँ से भागे और उनका नंबर जो है ब्लॉक कर दे। तो भाइयों जो जो मतलब देख रहा है इस वीडियो को और इस चीज़ से समझे भाई, अगर कोई आप इस सिचुएशन में फंसते हो तो पहले खाने की आइटम जितनी फूड आइटम्स हैं उसे ब्लॉक करो, उसे मना करो, आपने नहीं खानी, और वहाँ से निकलने की करो, और अपने आप को अवॉइड करो उस सिचुएशन से। तो भाई ये तो ही बात भाई, उसके अलावा कोई डोला भी पूछता भाई आपका कि कितने इंच का डोला? भाई कई बार पूछा कि सर अपना बाइसेप्स दिखा दो कितने इंच का है, और कई लोग कई बार तो पकड़ा कि टाइट है, काफ़ी मसल्स बहुत हार्ड है, किस तरीके से मसल्स हार्ड हुआ भाई? बताते हुए किस तरीके से मसल हार्ड हुआ भाई? बताते हैं, लेकिन वही अब उनका क्या मसल्स हार्ड कराया कि सर आपकी बॉडी बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से भाई इतना मतलब बॉडी बिल्डर पैसा कमाने जा रहा भाई। कभी ऐसा ऑफर भी आएगा भाई पार्टियों में आओ, जो होती ना पार्टीज होती हैं, आप इतना ले लो बस पार्टियों में आया करो भाई। बहुत बार हुआ, और एक बार गया भी, लेकिन वो ये वहाँ भी वही हरकतें होती है जो मेरे को बिल्कुल अच्छी लगती। तो भाई आप गए थे उस पार्टी में भी? भाई बिल्कुल गया था मैं। तो भाई आपने मतलब सारी चीज़ें ट्राई करके देख चुके हो भाई? बिल्कुल किया, क्योंकि धीरे धीरे ही पता लगता है कौन बंदा क्या चाहता है।
अब ये चीज़ें मैंने की, मैं भी जाता था पार्टी पे, अच्छा, तो देखा मैंने, लेकिन मैं वहाँ से निकले आता था, अच्छा, जिसको जो शौक है वो करता था, अच्छा, मैं तो निकले आता था। भाई भाई इसमें पैसा कितना होता है भाई, भाई कोई ऑफर की लिमिट होती है भाई? आपकी सैलरी से भी डबल होता हुआ, क्योंकि उन पर पैसों की कमी नहीं होती। भाई मेरी सैलरी से क्या, ट्रेनर की ट्रेनर की सैलरी से भी डबल होता है भाई? ये तो ठीक है ना, मतलब पार्टी भी करो और सैलरी भी डबल पाओ भाई, भाई मतलब रातों रात बोनस पाने का तरीका भाई। ये तो मेरे को तो बिल्कुल भी ठीक लगता है, बाकी जिस ट्रेनर को अच्छा मतलब ऐसा क्या होता है उस पार्टी में भाई? वही अपना कपड़े वगैरह उतरवाने पड़ते हैं उनको, फिर अच्छा। अपने कपड़े उतारते हैं, अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें होती है ओपन। सारी चीज़ें कौन सी भाई, वो काफ़ी सारी चीज़ें बताओ भाई। भाई आप समझदार हो, देखो मैं समझदार हूँ, ऑडियंस समझदार नहीं है भाई, ऑडियंस भी समझदार है कि किस तरीके की पार्टी होती है, जब कपड़े उतरते तो क्या होता है, और पर्सनली बंदा। अच्छा बिल्कुल पर्सनल कपड़े उतारो बिल्कुल, तो भाई वो डांस टूस के लिए बोलते हैं क्या कपड़े? जैसे वो एक मूवी है ना जॉनी ब्रैम की और अक्षय कुमार की, टैंक 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 वाले भाई। अच्छा बिल्कुल वो। अच्छा मेरा भाई, तो भाई इतनी सिचुएशन को देखने के बाद भी आप भाई इस लाइन में हो हैं, क्या करें भैया, काम एक तो यही है और इसके अलावा कोई काम जानता भी नहीं। अच्छा क्योंकि मैं जिम ट्रेनर हूँ। तो भाई लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन है भाई? बहुत बुरा हाल था, 3-4 महीने तो बिल्कुल बहुत गंदे भी थे, लोगों से उधार लेके पैसा घर चलाया अपना। अच्छा और अब भी काम ऐसी है, देखते हैं अब कब तक खुलता है, कब तक अच्छा होगा। तो भाई जो जो इस भाई की वीडियो देख रहे हैं, अगर भाई कहीं जिम ट्रेनर की जरूरत है तो भाई इनके इंस्टाग्राम हैंडल पूछता हूँ, इनको मैसेज करो, इनकी हेल्प करो भाई। भाई अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताओ भाई। अरुण बेनीवाल से ही है। अच्छा तो भाई इनको मैसेज डालो भाई, अगर कहीं ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है या विद इन दिल्ली कहीं भी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज़ इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज डालिए, ये जरूर आएंगे और आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको इनकी स्टोरी पसंद आई तो भाई एक लाइक जरूर करिए वीडियो को, और ज़्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगली बार एक नए एथलीट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।